नया टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज कौन क्या पढ़ेंगे, डे डे सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज सेकंड डे है स्पोकन बैच का। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, एज। आज एज को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एज क्या होता है, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपका उम्र कितना है, है ना, तो आप रिप्लाई में यानी इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे, आज इस चीज़ को फुल हम लोग सीखेंगे, कैसे हम किसी से पूछते हैं और कैसे उसका रिप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं एज में, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, हम किसी को पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं। जैसे अगर किसी से पूछना होगा आप कितने साल के हैं, आप कितने साल के हैं, यही पूछते हैं, है ना। तो रिप्लाई में हमें क्या क्या मिलता है, रिप्लाई में हमें क्या मिलता है, मैं 24 साल का हूँ, मैं 24 साल का हूँ। और दूसरा रिप्लाई ये भी आता है, मैं 24 साल का हो रहा हूँ, ये भी आता है रिप्लाई में। ठीक है, ये भी आता है। तो देखिए बनाते कैसे हैं इनको, एक एक स्टेप को समझिए, आज 100% सीख जाएंगे हम एक एक स्टेप को, जिस तरह का मैं करता हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम बनाने के लिए। देखिए आप कितने साल के हैं, तो इसको बनाने के लिए आप कितने साल के, कितना, कितने का क्या होता है, हाउ, साल मतलब पुराना, ओल्ड, है ना, कितने साल मतलब कितना यानी पुराना हो गए आप, है ना। तो हाउ ओल्ड ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह का हम यानी पूछेंगे किसी से आप कितने साल के हैं, तो उसका रिप्लाई आएगा कि मैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको जवाब देंगे, मैं 24 साल का हूँ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और अगर जवाब देना हो, मैं 24 साल का हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 24, आई एम गेटिंग ऑन फॉर 24। क्लियर, ये कंपल्सरी है, गेटिंग ऑन फॉर, जब हमें यानी कॉन्टिन्यूसली में जवाब देना हो तो ये कंपल्सरी होता है। यहाँ पे देखना है कि अगर टेंस अगर था आ जाता, अगर यहाँ पे था आ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। जैसे मैं 24 साल का हो रहा था तो क्या कर देंगे, आई वॉज गेटिंग ऑन फॉर 24। क्लियर, तो अच्छे से समझ आ गई। अब आप दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लड़कियां 18 साल से कम है, ये लड़कियां 18 साल से कम है, मैं 30 साल का हो रहा हूँ। नेक्स्ट है, वह 50 साल का है, वे लोग किशोर उम्र का हो रहा है। देखिए किशोर उम्र कहने का मीन्स है, किशोर उम्र टीनेजर कहते हैं उसको, किशोर उम्र के लिए क्या होता है, टीनेजर। ठीक है, नेक्स्ट कम मतलब बिलो होता है ना, बिलो मतलब नीचे। तो देखिए हम ये एक बना देते हैं, ये एक नंबर वाला बना देते हैं। जैसे ये लड़कियां, ये सब्जेक्ट है तो इसको पहले लाएंगे, ये लड़कियां, तो क्या होगा, ये लड़कियां के लिए दीज गर्ल्स आर से कम है, दीज गर्ल्स आर बिलो 80। ठीक है, ये बन गया आराम से। नेक्स्ट आपको ये तीन बनाना है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 को बनाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई सा ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता हो, सारा वर्ड आपको आता है। ठीक है, ये नहीं आता था तो टीनेजर होता है, इसका क्या होता है, टीनेजर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारी बातें, और हमारे पढ़ाई को आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।